श्री पंकज पटेल जी बोलो बोलो माने शांत रहिए चाचा महोदय, आपने ग्रामीण अंचल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे अन्नदाता हैं, और जब उनके विकास की बात आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और उनके लिए जो बजट दिया जाता है गांव के विकास के लिए या उनके क्षेत्र के विकास के लिए या उनके विकास के लिए, उसमें भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर दी जाती हैं। तो एक ग्राम सभा का जो प्रधान है वो गांव का विकास करे कैसे? माने अधिष्ठाता महोदय, जो ग्राम सभा में मानदेय दिया जाता है, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय, गौशाला के केयर टेकर का मानदेय, पंचायत भवनों के इलेक्ट्रिक बिल का, विद्यालय के इलेक्ट्रिक बिल का, प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट का बिल और चुनाव खर्च के लिए भी, ये सारी जो मानदेय होते हैं या बिल होते हैं ये ग्राम प्रधान के निधि से करता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर ये सबको जोड़ा जाए तो 2,65,000, इसमें इलेक्ट्रिक बिल शामिल नहीं है, तो 2,65,000 से ज्यादा का तो जो बजट जाता है वो मानदेय में खर्च हो जाता है। अगर एक छोटी ग्राम सभा ले ली जाए और उसका महीने का जो खर्चा आता है वो 25 से 30 हजार आता है, और एक साल का 3.5 से 4 लाख रुपए आ जाता है। एक छोटी ग्राम सभा में माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त का जो साल भर का बजट है वो 8,56,000 है, और अगर मंथली जो खर्चा है ग्राम प्रधानों का उससे जोड़ दिया जाए तो एक ग्राम प्रधान को, छोटी ग्राम सभा को विकास करने के लिए मात्र 5 लाख रुपए सालाना मिलता आपका है। आपका प्रश्न रखे आ रहे माननीय प्रश्न महोदय, उसी कारण तो जब 5 लाख 4.5 से 5 लाख रुपए एक साल में प्रधान को मिलता है तो उस ग्राम सभा का विकास कैसे हो सकता है? माननीय मंत्री जी से मेरा जो सवाल है वो है, क्या सरकार ग्राम सभा में दिए जाने वाले मानदेय को अलग से बजट देने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? दूसरा जो माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरा सवाल है, क्या सरकार छोटी ग्राम सभाओं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है उनके लिए उनके बजट को बढ़ाने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी खाता महोदय, इस सवाल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया है, बताया है। जो हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न है, प्रधानों, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमान्य धनराशि से किया जाता है, तथा बिजली का बिल का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि से किया जाता है। दूसरा माननीय सदस्य जी का प्रश्न है कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई पर? जी नहीं, क्योंकि शासनादेश संख्या 2021-2227-2021 द्वारा ग्राम प्रधानों के मानदेय को ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 किया गया है। शासनादेश संख्या 42/2021-1235/33-3 बता रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, माननीय मंत्री जी आप सीधे बताइए। माननीय सदस्य जी, हम जो प्रश्न 3,500 से बढ़ाकर 5,000 किया है वो सीधा उनको बताइए। मानदेय को अलग से बजट देने पर विचार करेगी कि नहीं? दूसरा है, क्या छोटी ग्राम सभाएं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है उनको उनके बजट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं? इस पे माननीय जी से, माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। माननीय सदस्य के जो सवाल है, इस पे हम लोगों ने बैठक किया 1266
ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके यहाँ बजट 5 लाख के आसपास जाता है, उनके बजट को बढ़ाने के संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव डायरेक्टर हम लोग बैठ करके चर्चा किए हैं, आपके भावना की कदर की जाएगी। चलिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, 6,000 रुपया के अलावा माननीय सदस्य आपकी बात आ गई है, उत्तर आने, आप उनका उत्तर तो सुने, आप बैठे कृपया, आपकी बात आ गई, हाँ तो उत्तर दे रहे हैं, महोदय सुनने की भी क्षमता रखिए, बधाई माननीय मंत्री। नहीं, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप गलत, पंकज जी बीच में न बोले कृपया। 6,000 रुपया पंचायत सहायक जो पंचायत सचिवालय में रखा गया उसको 6,000 दिया जाता है। 207 ऐसी योजनाएं हैं जो काम पंचायत सहायक करेगा तो उसको 5 रुपया पर काम पर अनुमन्य है, ऐसी कोई योजना नहीं है अभी। ठीक है, अभी उनका उत्तर आ गया माननीय सदस्य, माननीय सदस्य उनका स्पष्ट उत्तर आया, छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया। माननीय सदस्य जी जानकारी करिए, देखिए बैठे एक मिनट, माननीय सदस्य जी जानकारी करिए, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न जो आपने किया है उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, हम भी नए हैं पुराने नहीं हैं। अरे मेरा मत बता दिया, आपस में बात ना करें कृपया, पूछा मैंने बता दिया कि 1266 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो 5 लाख और 6 लाख के बीच में उनके पास बजट जाता है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं, अच्छी बात हुई है, लेकिन उसको बढ़ोतरी के लिए। चलिए अगला लेंगे, माननीय मंत्री जी आपने अपनी बात स्पष्ट रखी, अब अगला माननीय श्री पंकज मलिक जी, प्रश्न संख्या 9। माननीय मंत्री जी आपकी बात आ गई है, बार बार दोहराने का कोई नाम माननीय पंकज मलिक जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा था कि बालिकाओं के लिए प्रदेश में एक अलग से हर ब्लॉक पर विद्यालय खोलने की बात, राजकीय विद्यालय के बारे में मैंने पूछा था, उनका जवाब आया और बहुत गर्व के साथ आया। मैं यही देख रहा था कि जो संगठन, जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनका इस पे जवाब है कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक से राजकीय इंटर कॉलेज खोले जाने की कोई योजना प्रावधान